हेलो फ्रेंड्स, आज हम सोमरसेट मॉम की लिखी हुई कहानी दिवर्जा की समरी हिंदी में सीखेंगे। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि वर्जर कौन होता है। वर्जर चर्च का एक ऑफिसर है जो कि केयरटेकर या अटेंडेंट की तरह काम करता है। वर्जर हर सेरेमनी में बिशप के आगे रॉड लेकर चलता है। ये कहानी अल्बर्ट एडवर्ड फोरमैन की है, जो सेंट पीटर्स चर्च नेविल स्क्वायर लंदन में पिछले 16 साल से एक वर्जर की तरह काम कर रहा है। वह अपनी ड्यूटीज बहुत ही रिस्पॉन्सिबली करता आया है, लेकिन अचानक से उसके सामने एक अनएक्सपेक्टेड चैलेंज आ जाता है। एक दिन चर्च में क्रिश्चनिंग सेरेमनी खत्म होने के बाद अल्बर्ट विकर की वेस्ट्री में वेट कर रहा है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले हम कुछ मीनिंग्स को जान लेते हैं। क्रिश्चनिंग एक क्रिश्चियन सेरेमनी है जहां पर न्यूली बॉर्न बेबी का नाम रखा जाता है, जिसे हम नामकरण सेरेमनी भी कह सकते हैं। वेस्ट्री चर्च का वो रूम है जहां पर प्रीस्ट सेरेमनीज के लिए तैयार होते हैं, और विका चर्च के प्रीस्ट को कहते हैं। सेंट पीटर्स चर्च में एक नए विकर आए हैं। वो बहुत ही एनर्जेटिक हैं और कुछ 40 साल के हैं। नए विकर को अल्बर्ट के बारे में बहुत ही सरप्राइजिंग बात पता चलती है कि अल्बर्ट को लिखना पढ़ना नहीं आता। विकर और बाकी के चर्च वार्डन्स को ये बात बहुत ही शॉकिंग लगती है। उन्हें लगता है कि अल्बर्ट एक वर्जर की तरह चर्च में काम कर रहा है और उस पोजीशन पर अशिक्षित होना अनएक्सेप्टेबल है। विकर और चर्च वार्डन्स ने अल्बर्ट को 3 महीने का अल्टीमेटम देने का फैसला किया। या तो अल्बर्ट पढ़ना और लिखना सीख ले, या फिर बर्खास्त होने का फैसला मंजूर कर ले। अल्बर्ट ने बहुत ही ग्रेसफुली और एक्सेप्टेंस के साथ जवाब दिया, मुझे बहुत खेद है, मैं जानता हूं कि यह अच्छी बात नहीं है। मैं कुछ भी नया सीखने के लिए बहुत बूढ़ा हो चुका हूं। मैंने अनपढ़ होने के बावजूद इस चर्च में बहुत साल गुजारे हैं। ईश्वर ने मुझे जो भी औधा दिया है, जो भी काम सौंपा है, मैंने अपनी ड्यूटीज अच्छी तरह से निभाई हैं। ये मानते हुए कि वह अपनी उम्र के इस पड़ाव पर लिखना पढ़ना नहीं सीख सकता, अल्बर्ट ने विकर और चर्च वार्डन्स का डिसीजन एक्सेप्ट कर लिया। उसने विकर से कहा कि जैसे ही नया वर्जर अपॉइंट हो जाएगा, वह अपनी रेजिग्नेशन यानी कि इस्तीफा दे देगा। अल्बर्ट ने वेस्ट्री में जाकर अपनी यूनिफॉर्म को टांग दिया। वह बहुत उदास मन से सोच रहा था कि चर्च की हर इम्पोर्टेंट सेरेमनी में इस रोब ने, इस यूनिफॉर्म ने उसका साथ दिया था। इसके बाद उसने चर्च की सफाई की और आखिरी बार चर्च की डोर को लॉक करके चला गया। वह बहुत ही उदास और अनश्योर था कि अब वह आगे क्या करेगा। इसी सोच में उसने अपने घर जाने की रोज के रास्ते की बजाय एक गलत डायरेक्शन ले ली। अपनी परेशानी में उसने सिगरेट पीने का सोचा। उसने अपने आसपास शॉप ढूंढने की कोशिश की जहां से वह एक सिगरेट का पैकेट खरीद सके। उसे अपने आसपास ऐसी कोई शॉप नहीं दिखी। वह थोड़ा और आगे तक चला। वह एक बहुत लंबी सड़क थी और वहां पर हर तरह की शॉप्स थी, पर एक भी ऐसी शॉप नहीं थी जहां से सिगरेट का पैकेट खरीदा जा सके। अल्बर्ट ने यह ऑब्जर्व किया कि इतनी बिजी स्ट्रीट पर एक भी टबैको की शॉप नहीं थी। अल्बर्ट को अचानक से ये आइडिया आ गया। उसने सोचा कि जब हम लीस्ट एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, तभी हमारे मन में कोई नया आइडिया आता है। अल्बर्ट को लगा कि वह इस गैप को सक्सेसफुली फिल अप कर सकता है। अल्बर्ट की लाइफ ने एक टोटली डिफरेंट टर्न ले लिया जब उसने एक नया फील्ड एक्सप्लोर करने का सोचा। हार मानने की बजाय, हताश होने की बजाय, अल्बर्ट ने ये डिसीजन लिया कि वह उस बिजी स्ट्रीट पर टबैको का बिजनेस खोलेगा। अपनी जमा पूंजी से अल्बर्ट ने अपनी सबसे पहली शॉप खोली। उसमें कीन बिजनेस सेंस थी और वह सही लोकेशंस को आइडेंटिफाई भी कर सकता था। इन्हीं दो बातों की वजह से वह अपने बिजनेस में बहुत सक्सेसफुल हुआ।
मुश्किल परिस्थितियों में अपने आप को अडैप्ट करते हुए कुशलता से अल्बर्ट ने कई टबैको शॉप्स खोल ली। कई साल बाद जब सभी दुकानों से बहुत सारी इनकम आने लगी तो अल्बर्ट ने ये सारा पैसा बैंक में जमा करने का सोचा। बैंक मैनेजर ने अल्बर्ट को सजेस्ट किया कि वे ये सारा पैसा कहीं और अच्छी जगह पर इन्वेस्ट करें ताकि उससे ज्यादा इनकम आने लगे। अल्बर्ट ने बैंक मैनेजर से कहा कि वह शेयर्स के बारे में कुछ भी नहीं जानता। बैंक मैनेजर ने अल्बर्ट को आश्वासन दिलाया कि वह उनका पैसा अच्छी जगह पर इन्वेस्ट करेगा। अल्बर्ट अभी भी अनसर्टेन था। उसने बैंक मैनेजर से कहा कि वह सारे डॉक्यूमेंट साइन तो कर देगा पर वह उन्हें पढ़ नहीं पाएगा। ये बात सुनकर बैंक मैनेजर बहुत ही हैरान हो गए। बैंक मैनेजर को विश्वास नहीं हो रहा था कि एक ऐसा आदमी जिसे लिखना और पढ़ना आता ही नहीं है, वह इतना सारा पैसा कैसे कमा सकता है। बैंक मैनेजर हैरानी से बोला, ओ गॉड, अगर आप पढ़ लिख सकते तो आज आप कहां पर होते? इस बात को सुनकर अल्बर्ट ने बैंक मैनेजर को कहा, सर, अगर मुझे लिखना और पढ़ना आता तो मैं आज भी सेंट पीटर्स चर्च का वर्जर होता। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।